इंडिया का होम ग्राउंड और इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दे रहा है। मेरे हिसाब से मुझे जो चांसेस लग रहे हैं वो इंडिया के लग रहे हैं और इंडिया की प्रीवियस मैच में बहुत ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस रही है। और इंडिया को हराना तो किसी भी टीम की बस की बात नहीं, इंडिया अनबीटेड फाइनल जाएगी, फाइनल भी अनबीटेड ही जीतेगी। चार टीमों ने हमारा पकड़ के टक 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 घंटा बजाया। अच्छा क्या लगता है कौन जीतेगा भैया? आप ये तो पूछने वाली बात है, इंडिया इंडिया विराट कोहली जहाँ हो, विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे जहाँ लोग हो वहाँ पर भाई सब कुछ, वहाँ के हर एक खिलाड़ी जबरदस्त है। लेकिन इंडिया अभी तक घंटे बजाता आ रहा था फिर, जिसमें एक बार उन्होंने पाकिस्तान का भी बजाया था और बड़ा खतरनाक बजाया है। विराट कोहली जैसे प्लेयर से तो सीखना चाहिए, अगर कोई क्रिकेटर है वो तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो दिखाते हैं अपना आप। ये क्या वही लोगों की है, वो जादू कर देते हैं, ये गिरधर सिंह ही है, ये हम लोगों ने सोचे रखी है ना, हमारी सोचे है ना, ये जादू हो गया, जादू हो गया, कोई जादू। देखें इंग्लैंड इस टाइम जो है वो अंडर प्रेशर चल रहा है और उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो शायद बांग्लादेश से भी हार जाएं, इतना प्रेशर है उनके ऊपर। मुझे लगता है जहाँ तक उनके बैट्समैन की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, जिस तरह के उनके बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह विराट कोहली फॉर्म में है, मुझे तो लगता है अगले चार साल अगला वर्ल्ड कप भी विराट कोहली खेलने वाले हैं, जिस तरह विराट कोहली खेल रहे हैं। और जो बैकबोन है विराट कोहली साहब, माय लव, आई मिस यू, आई वेरी मिस यू, मैंने आपको काफ़ी दिनों से देखा नहीं है, मैं इंस्टा पर जाकर आपको करूँगी कमेंट वगैरह। तो ये है कि वो जहाँ पर हों और परफॉर्मेंस ऐसी हो और वो ना जीते ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अपने आप को कभी भी पीछे नहीं करते। शाहीन को पता नहीं शादी के बाद क्या हुआ है, वो बंदा डाउन ही जा रहा है, उससे स्पीड ही नहीं लग रही है, वो स्पीड डाउन हो गई है, स्पीड डाउन हो गई है, स्पीड कहीं और दिखा दी होगी उसने। इंडिया आराम से जीतेगा, चांसेस वाली तो बात ही नहीं हो सकती। वन साइडेड मैच होगा, वन साइडेड मैच होगा और तकरीबन अभी तक जितने मैच होंगे सारे वन साइडेड होंगे। इंडिया उनके बैट्समैन बहुत आला है यार, उनके बॉलर्स भी एक काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया जीत जाएगा कल, इजीली जीत जाएगा। विराट कोहली हैं और भी बड़े प्लेयर्स उनके हैं भाई, वो हर एक लिहाज से, सबसे पहले तो वो रन अगर उनके पास आ गए ना कि टारगेट उन्होंने देना है, वो तो इतना देने नहीं देंगे ताकि वो खुद इजीली बना सके, ठीक है। अगर टारगेट उनको अच्छा मिल गया वो भाई प्लेयर हैं वो जीतेंगे। इंडिया इंडिया मैं कहता हूँ बेफिक्र हो जाए आप, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं लेके जाएगा, मैच जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया से भी जीतेगा लेकिन वर्ल्ड कप। ये पहले ही पेश हुआ, शायद वो सेमीफाइनल को भी वन साइडेड बना दे, अगर उसको कोई टक्कर देगा तो वो फाइनल में पहुंचने वाली टीम टक्कर देगी, उससे पहले उसको कोई नहीं रोक। बिल्कुल बड़ी टीम है इंडिया, अपने इस रिवायत को बरकरार रखने की हतीउल इम्कान कोशिश करेगा और इंडिया जो नॉन बीटेबल अभी तक बना हुआ है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट मेरे ख्याल 10 इंडिया के ही हैं अभी तक, किसी के अभी 10 पॉइंट नहीं है। फाइनल में तो वो कन्फर्म है ही है, उसको फाइनल की तो अब कोई चिंता नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद वो कल का मैच जीत के अपनी इस रिवायत को बरकरार रख के इंडिया को बीट करेगा। जादू तो नहीं हो गया, जब से कोहली ने परफॉर्म करना शुरू किया है बाबर की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, पता नहीं शायद बाबर चाहता है कि किंग कोहली वापस आ जाए नंबर 1। ये तो अब ये क्वेश्चन तो ये होना चाहिए क्या पाकिस्तान जीतेगा? नो अब तो हमने मैच देखना ही बंद कर दिया। अमेरिका और न्यूजीलैंड ये दो टीमें हैं जिनमें से कोई एक टीम इंडिया से फाइनल खेल सकती है, अगर न्यूजीलैंड इंडिया से फाइनल खेली तो न्यूजीलैंड जीत सकती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे बाबर आजम को उठा के विराट के साथ कंपेयर करते हो यार, कहाँ से कंपेयर बनता है बताओ आप, विराट की एक अपनी लेवल की क्लास है, विराट की क्लास के लेवल पे बाबर को आने में मजीद 10 साल लग सकते हैं, विराट एक क्लास है। तो मैच वो जीत चुके हैं कल का, कम अज़ कम वो मींस के अच्छे विकेटों से और अच्छे रन से चेज करेंगे। जब न्यूजीलैंड का हाल देखते हैं ना तो फिर इंग्लैंड उनके लिए चूहे बिल्ली का खेल ही हो जाएगा इंडिया के लिए। जब न्यूजीलैंड नहीं टिका भाई, न्यूजीलैंड द मोस्ट हार्ड टफेस्ट टीम थी इंडिया के बाद, वर्ल्ड कप के लिए जानी जाती थी, जिस दिन मैंने देखा ना कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ा तो उसके बाद मैंने कहा फिर इंग्लैंड उंग्लैंड ये ना ये किसी खेत की मूली नहीं है। चांसेस तो इंडिया के नज़र आ रहे हैं लेकिन हमारा दिल मानेगा इंग्लैंड जीते। इतनी कॉम्पिटेंट टीम है, होप सो उनका बैड लक था कि वो 3 मैच हार गए, अब ये उम्मीद है इंडिया को हराएंगे और इंडिया की स्ट्रीक को। तो इंडिया इस वर्ल्ड कप की वाहिद टीम है जिसने अपने सारे के सारे मैचेस जीते हुए हैं और तकरीबन टेबल टॉपर है, टेबल टॉपर है क्योंकि सब ने एक एक मैच हारा हुआ है या दो दो मैच, पाकिस्तान का तो चार मैचेस में घंटा बजा है। अब कल इंडिया खेलने जा रहा है इंग्लैंड के साथ, लखनऊ में मैच है। जो प्लेइंग 11 की अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि शायद इंडिया कल अश्विन को उतार सकता है क्योंकि लखनऊ के पिच जो स्पिनर्स को यूजफुल रहती है। सर देखें भारत में हो रहा है, भारतीय क्राउड है, सो मुझे नहीं लगता कि कल वो हारेगा, इवन मुझे ये लगता है कि वो सारे मैचेस विन करेगा और पहले नंबर पे ही रहेगा। देखें इंडिया इंडिया की अगर मैं बात की जाऊं तो मेरे माइंड में सबसे पहले दो नाम आते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दो नाम आते हैं इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में दोनों ने खतरनाक किस्म की बैटिंग की है और दूसरी टीमों को बताया
कि दो सीनियर प्लेयर एक टीम के लिए क्या करते हैं। इंडिया का होम ग्राउंड और इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दे रहा है, और जिसे कहते हैं ना वो अंदरूनी तौर पर जो अपनी परफॉर्मेंसेस की आखिरी टिल उन्होंने लगाई हुई है कि अपने होम ग्राउंड में हम कम से कम ना हारे, बनता भी नहीं उनका हारना। शमी और रविचंद्रन अश्विन, इन दोनों में से एक को खिलाया जाएगा। इवन कहा जा रहा है कि शायद सिराज को भी आराम करवाया जा सकता है, तो सिराज शमी दोनों में से किसी एक को बिठा के पॉसिबल हो सकता है कि शायद अश्विन को खिला दिया जाए और फिर जिस फ्रंट से आगे लीड करते हैं और घंटा बजा के मैच जितवा के जाते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है भाई वर्ल्ड क्रिकेट के इस एरा के, दोनों मैं कहता हूँ खतरनाक प्लेयर हैं। दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा किया हुआ है। इंग्लैंड को निकालेगा, निकाल मारेगा ना यार, वो खेल रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान तो खेल ही नहीं रहा ना, बाकी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के बाकी हर क्रिकेट टीम खेल रही है। सबसे बेहतर इस टाइम इंडिया ही जा रही है, इंग्लैंड वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएगा। आराम से जीतेगी क्योंकि इंग्लैंड वैसे फॉर्म में नहीं है, अगर फॉर्म में भी होती तो लेकिन इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उन्होंने पिच ही ऐसी बनाई हुई है कि वो इंडिया जीत जाएगी आराम से। अब कल क्या है, लखनऊ में मैच है, इंग्लैंड अपने चार मैच हार के आ रही है, मतलब इंग्लैंड एक किस्म की वर्ल्ड कप से बाहर है, वर्ल्ड कप से बाहर है, ठीक है। वो कल हार जाएगी तो ठीक है, हार जाएगी इंडिया, अगर कल जीत जाएगी तो समझ लो इंडिया का वो सेमीफाइनल वाला क्यू लग जाएगा, ठीक है।